हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से एक मज़ेदार वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ शॉर्ट नोट्स पर, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ था कि आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाकर लेकर आऊँगा, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन शॉर्ट नोट्स में मैंने तीन प्रमुख शॉर्ट नोट्स रखे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि देखते हुए इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उनको चलिए देख लेते हैं। देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को यार जल्दी से जल्दी लाइक करते रहिए, और आपकी क्लासें यूं ही चलती रहेंगी, आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। वीडियो में सबसे पहले मैंने दी हुई है फर्स्ट नंबर पर आपकी जो आती है स्पॉटेड आती है, मतलब जो टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, गोल्जी का है। गोल्जी का है जो आप लोगों की पूछी जाती है, बायोलॉजी में भी पूछी जाती है और उसमें जेंटिक्स में भी पूछी जा सकती है। तो इसको इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स आपको 2, 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। गोल्जी काय को सर्वप्रथम जॉर्ज ने देखा था, किंतु इसकी खोज का श्रेय अत्यधिक अध्ययन आदि के आधार पर कैमिलो गोल्जी को दिया गया। ठीक है, इसको देखा था, अगर देखने की बात आती है तो सर्वप्रथम किसने देखा था, जॉर्ज ने देखा था। किसने देखा था, जॉर्ज ने देखा था। अगर इस पर आधार या अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन किसने किया है, कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, गोल्जी काय रख दिया गया। ठीक है, गोल्जी उपकरण नाम दिया जाता रहा है, गोल्जी उपकरण का किसी नाम, मतलब गोल्जी उपकरण के नाम से इसको कहते थे। ठीक, इसको लिपोकॉन्ड्रियन या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिपोकॉन्ड्रियन या डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यह अनेक प्रकार की झिल्लियों के बने थैले के आकारों जैसे मिलकर बनी संरचनाएं होती हैं। इनमें तीन प्रकार के महत्वपूर्ण आकार होते हैं। अब तीन इसमें आकार दिए जाते हैं, तीन प्रकार की इसमें संरचनाएं बनी होती हैं। तो फर्स्ट नंबर संरचना क्या होती है, सिस्टर्नी, ये दिया गया है यहाँ पर राइटिंग में, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है, सिस्टर्नी के रूप में चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक के ऊपर एक तहों के रूप में फंसी हुई चपटी थैलियों के समान आकार वाली समानांतर संरचनाएँ होती हैं। जब आप गोल्जी बॉडी का पूरा डायग्राम देखेंगे, वो भी मैंने आपको आगे दिया हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक के ऊपर एक तहों के रूप में जो फंसी हुई वहाँ पर जो थैलियों के रूप में समांतर संरचनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट संरचना जो होती है पुटकाएँ होती हैं। क्या होती है, पुटकाएँ। पुटकाएँ क्या होती हैं, पुटकाएँ जो होती हैं सिस्टर्नी के किनारों पर टूट कर अलग होती रहने वाली अनेक छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जो सिस्टर्नी से टूटकर अलग होती रहती हैं। उन छोटी छोटी थैलियों को क्या कहते हैं, उन थैलियों को पुटकाएं कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया, आगे भी और दिए गए, और आगे क्या दिया गया, आगे रिक्तिकाएं, आगे हेडिंग है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं में क्या पूछा गया है, चौड़े थैले के आकार की ही गोल संरचनाएं होती हैं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, यह चौड़े थैले के रूप में आकार गोल संरचनाएं ही होती हैं। थैलियाँ तथा प्रत्येक भाग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी इकाई कला का ही बनाई होती हैं, तथा थैली जैसी संरचनाओं में अनेक पदार्थ भरे रहते हैं जिनमें प्रोटीन्स प्रमुख होते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी जो रिक्तिकाएं होती है उसमें कौन सा प्रमुख प्रोटीन्स, प्रमुख पदार्थ कौन सा भरा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं प्रोटीन्स भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की संरचनाएँ होती हैं आपकी, कौन कौन सी, सिस्टर्नी, पुटकाएँ और रिक्तिकाएँ। ठीक है, तीन संरचनाएँ इसमें भरी हुई होती हैं। अब गोल्जी बॉडी के कार्य क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो कार्य क्या होता है, प्रोटीन्स का संगठन और वितरण ही संभवतः इसका प्रमुख कार्य है। जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया था कि जो रिक्तिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन इकट्ठा होता रहता है आपका, क्योंकि अधिक संख्या में ये स्रावी कोशिकाओं में ही मिलती हैं, इसलिए अधिकतर वैज्ञानिकों ने मत है कि इनका प्रमुख कार्य श्रावण में सहायता करता है। ठीक है, किसमें, श्रवण में सहायता करता है, श्रावण में सहायता करता है। आगे देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पर दिया गया, अन्य कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्राणुओं में एक्रोसोम बनाने का कार्य भी गोल्जी बॉडी ही करती है। गोल्जी काय को ही इंग्लिश में गोल्जी बॉडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी उसी को ही कहते हैं, अलग कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें पौधों में विभाजन के समय इनकी पुटकाएँ कोशिका पट्ट का निर्माण करती हैं, बाद में इस पर भित्तीय पदार्थों का श्रावण भी यहीं करती रहती हैं, अतः पौधों में इनका कार्य कोशिका भित्ति का निर्माण करना होता है। ठीक है, पौधों में इसका कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति जो टूट जाती है उसका निर्माण करना होता है। अब गोल्जी बॉडी का डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है आपका डायग्राम गोल्जी बॉडी का बना हुआ है। इसमें देखिए, जो सिस्टर्नी आपकी बात हुई थी, तो सिस्टर्नी आपको ये जो बनी हुई दिख रही हैं, ये
इस तरीके से ये आपकी क्या है, ये सिस्टरनी दी गई है। ठीक, इसके बाद रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं क्या होती हैं, ये देखिए जो गोल गोल ये दी गई हैं, इनमें क्या होता है, प्रोटीन्स इकट्ठा होता है, और जो अलग हो जाती हैं इनसे टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, वो क्या होती हैं, पुटिकाएँ होती हैं, जो ये अलग अलग दिख रही होंगी आपको। ठीक है, और ये आपकी पूरी गोल्जी बॉडी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को डायग्राम भी बनाना आता है तो पेपर में डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नंबर भी आप लोगों को अच्छे दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टिप्पणी किस पर आने वाली है। तो नेक्स्ट टिप्पणी आपकी है लवक या प्लास्टिड्स, जिसे कहते हैं लवक, हिंदी में लवक कहा जाता है और इंग्लिश में प्लास्टिड्स इसे कहते हैं। तो लवक के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसमें क्या है, लवक क्या चीज़ होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे नीली हरी शैवालों, जीवाणुओं तथा कवकों को छोड़कर लगभग सभी सभी यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी तथा केंद्रक से सामान्यतः छोटी होती हैं, इन्हें लवक कहते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे नीली हरी शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तथा और जीवाणुओं और कवकों को छोड़कर जो सभी यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी, ये मतलब जो लवक होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं तथा केंद्रक से छोटे होते हैं। ठीक है, केंद्रक से छोटे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दिया गया है लवक, लवक सदैव पहले से उपस्थित रचनाओं में प्रोप्लास्टिड्स से ही बनते हैं तथा परिपक्व कोशिकाओं में अपने विभिन्न रंगों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। लवक में क्या होता है, ये रंग होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं, तो ये अलग से ही दिख जाते हैं और कोशिकाओं में आसानी से पहचान में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लवकों का यह रंग उनमें उपस्थित विभिन्न वर्णकों के कारण होता है। तो रंग जो आता है ये किसके कारण आता है, ये वर्णक जो होते हैं उनके कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, रंगों के आधार पर ही लवकों को प्रायः वर्गीकृत किया जाता है, यद्यपि वर्णकों के परिवर्तन अथवा उनके एकत्र होने के अनुसार यह लवकों के रंग आवश्यकता अनुसार बदल दिए सकते हैं। ठीक है, इनके अनुसार, इनके मतलब वर्णकों के परिवर्तन के अनुसार इनके रंग भी बदलते रहते हैं। अब वर्णों के अनुसार से देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लवकों के रंग आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं, फिर भी इनको अग्रलिखित तीन प्रकार का माना जाता है। लवक कितने प्रकार के, तीन प्रकार के माने जाते हैं। तो नंबर एक आता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इस प्रकार देखिए, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और ये किसके, हरे रंग के होते हैं। नंबर सेकेंड में आता है बर्ली लवक, बर्ली लवक इसे क्या कहते हैं, इसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, और ये जो होते हैं ये हरे रंग के अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं, हरे रंग के होते हैं या अतिरिक्त अन्य भी किसी रंग के हो सकते हैं। नंबर तीन में अवर्ली लवक या ल्यूकोप्लास्ट जिसे कहते हैं, अवर्ली लवक को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट इसे कहते हैं। तो रंगहीन अथवा श्वेत होते हैं ये, कैसे होते हैं, रंगीन अथवा श्वेत होते हैं, मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता है, अथवा ये श्वेत कलर के, सफ़ेद कलर के माने जाते हैं। अब थोड़ी चर्चा कर देते हैं इनके, जो इसके प्रकार दिए गए, इनके प्रकार भी आप लोगों को लिख देने, अगर प्रकार के बारे में पता है तो थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये पर्ण हरित युक्त विशेष प्रकार के हरे लवक होते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए विशेष व्यवस्था की गई होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शैवालों में अनेक प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, जिनमें बड़कों का विभिन्न संगठन मिलता है। हरे शैवालों में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के, बड़े संख्या में कम क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ये विभिन्न संख्या में विभिन्न संगठन मिलते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट संख्या में कम होते हैं। ठीक, इसमें देख लेते हैं, अब इसका जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट का, तो ये किस प्रकार से, ये इस प्रकार से होते हैं, ये देखिए यहाँ पर बर्ली लवक लिखा हुआ। अब इसमें बर्ली लवक जो होते हैं वो यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपका केंद्रक बना हुआ है, इसमें बर्ली लवक यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अबर्ली लवक क्या होते हैं, अबर्ली लवक ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं इसमें। अब बर्ली लवक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं बर्ली लवक। ठीक है, ये रंगीन लवक हैं और ये प्रायः लाल, पीले या नारंगी होते हैं। इन्हीं के विभिन्न मिश्रणों के कारण विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं। इन्हें जब मिश्रित किया जाता है तो इसी से विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, बैंगनी रंग इन लवकों के कारण नहीं होता है, वरन एंथोसायनिन नामक वर्णक जो रिक्तिका के सॉल सोप में घुला रहता है, इस सैप के प्रभाव का कोशिका अपना रंग भी बदल लेती है। सैप जो होती है, ये जो सैप बताई हुई है, इस सैप के कारण ही
कोशिका जो रिक्तिका की सेल शेप होती है इसके कारण भी कभी कभी अपना रंग बदल लेती है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं अवर्ली लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये अवर्ली लवक या ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जैसा कि नाम से आप लोगों को याद रखिए, अवर्ली लवक मतलब जिसमें कोई रंग ही ना हो, अवर्ली जिसमें कोई वर्ड ही ना हो, वर्ड मतलब रंग। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये लवक रंगहीन होते हैं और उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। सीधी सी बात है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है तो वहाँ की अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो रंगहीन ही रहती हैं। ठीक है, और जहाँ का प्रकाश, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ की चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और जैसे पौधों के भूमिगत भाग, वायवीय भागों, गहरे ऊतक आदि, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों की आवरणी लवक में आती हैं। ठीक है, आकार में ये अधिकतर अनियमित ही होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट साधारणतः विभिन्न आकार के भोज्य पदार्थों में आघूलनशील भी हो जाते हैं, एकत्रित करने का, आघूलनशील रूप में बदलकर एकत्रित करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं केंद्रक। अब आपकी जो नेक्स्ट टिप्पणी है वो क्या है, केंद्रक। केंद्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रक की यहाँ पर ये संरचना मैंने बनाई हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर एक केंद्रक छिद्र दिया होता है, केंद्रक छिद्र होता है। ठीक है, होल होता है आपका, एक छोटा सा वो होता है। ये अंता कवच और बाह्य कवच यहाँ पर होते हैं आपके, दो जो कवच दिख रहे होंगे आप लोगों को, एक ये और एक ये अंदर वाला, तो दो कवच हो गए, ये अंता और बाह्य कवच हो गए। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को कुछ धागे नुमा संरचनाएं ये दिख रही होंगी, ये देखिए, ये देखिए, आपको चित्र कम समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो धारे नुमा संरचना होती है तो ये क्रोमोसोल या हेट्रोक्रोमेटिन जो सूत्री होते हैं, धागे होते हैं, ये वो होती हैं। ठीक है, इसमें जो डॉटेड रूप से ये होती हैं, ये सॉरी, ये जो होती हैं ये, तो ये आपके क्या होते हैं, ये केंद्रिक होती हैं। और ये यहाँ पर जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है, ये भरा होता है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये केंद्रक की आपकी संरचना हो जाती है। ठीक है, अगर आपको चित्र बनाना आता है, चित्र बना दिया। अब केंद्रक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। केंद्रक जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी भी आप लोगों को टिप्पणी शायद पूछी गई थी 2019 में पूछी गई थी इसकी टिप्पणी, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझ कर ये आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है। वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा गया। यह है सामान्यतः कोशिका का सबसे बड़ा, स्पष्ट तथा अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। ये कोशिकाकार जो होता है महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, जैसे कि हमने कोशिकांग कल कितने 10 बताए हुए थे, मैंने कहा था उसमें से मैं कुछ छांट कर आपको बताऊंगा जिसमें कि आप लोगों की टिप्पणी पूछी जा सकती है। ठीक है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जो केंद्रक होता है ये सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब केंद्रक की जो खोज होती है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों जैसे कवकों, शैवालों आदि को छोड़कर, जो कवक शैवाल होते हैं इनको छोड़कर लगभग सामान्यतः सभी में एक ही केंद्रक पाया जाता है। यह काफ़ी धनी, गोलाकार, अंडाकार तथा कभी कभी अन्य आकारों में भी संरचना होती है इसका। यह प्रायः जीवद्रव्य के लगभग बीचों बीच स्थित होता है। जो जीवद्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं पादप कोशिका में परिपक्वन के साथ साथ ही रिक्तिका के केंद्र में स्थित हो जाने के कारण यह कोशिका धृति में एक ओर आ जाता है। केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी केंद्रीकी कला होती है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, जो डबल झिल्ली के रूप में होती है, वो क्या होती है, केंद्रीकी कला होती है। जो बाह्य परत अंतः परत होती है उनको कहते हैं केंद्रीकी कला। दोनों कलाओं के स्थानों के बीच को परिकेंद्रीय स्थान कहा जाता है। दोनों कलाएँ जहाँ मिलती हैं उनको, स्थानों के बीच के स्थान को क्या कहता है, परिकेंद्रीय स्थान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लगातार लाता रहूँगा, आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।